सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोब्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और घर के अंदर होंगे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर। सो गाइज, हम पढ़ रहे थे मैटर इन अवर सराउंडिंग, क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर। और हमने फर्स्ट चैप्टर को बखूबी बहुत ही डिटेल में टॉपिक वाइज में मैंने वीडियो बनाया और हमने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। नाउ आज के सेशन में, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के एनसीईआरटी बुक के जितने चैप्टर के इनसाइडर क्वेश्चंस हैं ना, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, अपने कंप्यूटर्स में भी चलते हैं और आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट गाइज, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर वीडियो पसंद आए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर का नाम है क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री। एनसीईआरटी चैप्टर के मैटर इन आवर सराउंडिंग के चैप्टर में जितने भी इनसाइडर क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस और उनके क्या आंसर होंगे, उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो यार, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पेज नंबर 3 एनसीईआरटी के साइंस के बुक का पेज नंबर 3 पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, देखो तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स, इनमें से कौन से मैटर हैं। चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट्स, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम, इसमें से कौन से मैटर्स हैं। है ना, मैटर्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, दैट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यार, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इन ऑप्शंस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैटर हो ही नहीं सकती। जैसे खुद एग्जांपल ले लो, लव, ये एक फीलिंग, लव ये क्या, ये कोई मैटर नहीं है यार। ठीक है, तो देखो, चेयर हो गया, एयर हो गया, आलमंड्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये जो हैं आपके क्या हैं, मैटर हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, चेयर क्या है, सॉलिड है, एयर क्या है, गैस है, तो ये भी मैटर है। लव क्या है भाई, लव क्या होता, ये भाई हमारी अंदर की फीलिंग, हमें तो नहीं समझता। स्मेल क्या है, स्मेल मेरा सेंस है, ना कि कोई मैटर है, ये भी नहीं होगा। हेट भी हमारा एक तरीके का सेंसिटिव ऑर्गन है, लाइक सेंस है, ये भी नहीं। आलमंड्स क्या है, सॉलिड स्टेट का है, है ना। थॉट्स, ये भी हमारे एक सेंस है, ये भी नहीं हो मैटर। कोल्ड, ठंडा लगना, दैट इज़ नॉट अ मैटर। कोल्ड ड्रिंक, यस कोल्ड ड्रिंक लिक्विड स्टेट, दैट इज़ अ मैटर। स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का स्मेल, स्मेल इज अ सेंस, नॉट अ मैटर। अगर पूछता गैस ऑफ परफ्यूम, देन अपन बोलते यस इट इज़ अ मैटर। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। चलिए, पेज नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड, द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। क्यों होता है भाई ऐसा, है ना, बताओ। जब भी कोई सब्जी को हम बनाते हैं तो गर्म, हॉट, जब वो कोई सब्जी गर्म रहता है तो वो काफ़ी दूर तक स्मेल करता है। बट वही कोई सब्जी या कोई फूड अगर ठंडा हो जाए तो उसकी स्मेल लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों, क्यों होता है भाई। सो यार देखो, सॉलिड डिफ्यूज एट वेरी स्लो रेट, डिफ्यूज़न का कमाल है सब, है ना। जो सॉलिड होता है वो बहुत धीमे डिफ्यूज़ करता है, उसका डिफ्यूज़न रेट बहुत ज़्यादा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और गैसेस, वी ऑलरेडी डिस्कस इन द चैप्टर। ठीक है, नाउ बट इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इज इंक्रीज, अगर हम सॉलिड की टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इन टू एयर इज ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड द डिफ्यूजन ऑफ दैट सॉलिड पार्टिकल इन टू द एयर विल बी ऑल्सो इंक्रीजेस। This is due to an increase in kinetic energy of a solid particle. Hence, the smell of hot sizzling food reaches us even at a distance. But to get the smell from the cold food, we have to go close. ठीक है? कैसे? देखो, जैसे ये देखो, ये इसके अंदर solid particles कैसे होते हैं? एकदम चिपके चिपके रहते हैं। इस तरीके से एकदम चिपके रहते हैं solid particles. तो जब हम इनको क्या करते हैं, हीट करते हैं, जब हम इनको हीट करते हैं नीचे से, जब हम इनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, हीट देने से वी नो डैट कि टेम्परेचर बढ़ाने से बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन की वजह से ये क्या होगा, ये तेज़ी से वाइब्रेट होगा और अपने प्लेस छोड़ के ये बाहर की तरफ एग्जाइट होने लगेगा एटमोसफेयर में, है ना। तो
क्या हो रहा है, ये पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, एटमोसफियर एयर में जाके मिल रहे हैं, एयर में जाके मिल रहे हैं, तो डिफ्यूजन हुई हो रहा है ना, तो डिफ्यूजन रेट बढ़ रहा है सॉलिड का। सो जब हम कोई सॉलिड सब्सटेंस या सॉलिड फूड को हीट करते हैं तो क्या होता है, वो ईजिली बहुत दूर तक उसकी स्मेल एयर में उसके पार्टिकल्स डिफ्यूज होकर बहुत दूर तक चले जाते हैं, बट वही ठंडी की बात करें तो ऐसा नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं पेज नंबर थ्री का क्वेश्चन नंबर थ्री। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। जो डाइवर होता है, जो स्विमिंग पूल में आप भी कभी तैरते होगे तो क्या करते हो, आगे बढ़ने के लिए आप पानी को ऐसे पकड़ के कट करते हो ना, पानी को ऐसे पकड़ के आगे कट करते हो, अपना रास्ता बनाते हो, तब तो आप आगे बढ़ते हो। तो आप क्या कर, इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप स्विमिंग पूल में वाटर के जो आसपास एयर है उनको, उनके बीच में गैप बना रहे हो, क्या कर रहे हो आप, इस तरीके से हटाकर आप उनके बीच में पानी हटाकर गैप बना रहे हो और पानी की फोर्स की वजह से आप आगे की तरफ जा रहे हो, है ना। तो रीज़न क्या लिखोगे, दिस ऑब्जर्वेशन सो डैट द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस। पानी क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड के बीच में कुछ इंटरमोलिकुलर स्पेस है, तभी तो उसमें मैं हूँ, तभी तो मैं इसमें स्पेस बना रहा हूँ तो आगे बढ़ पा रहा हूँ, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पेज नंबर थ्री का ही क्वेश्चन नंबर फोर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, अपने हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है तीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या क्या है भाई यार, देखो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर आर, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ डिस्कस किया था। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, आप ये फिगर में देख सकते हो, देखो ये मैटर्स के पार्टिकल्स हैं, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे फिगर को, तो ये देखो हमें एक दूसरे में अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, अपन ने इस पे डिटेल में डिस्कस किया था जब चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पेज नंबर सिक्स खोल लीजिए, उसका पहला क्वेश्चन आता है द मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है यार, डेंसिटी होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी को अपन इस तरीके, ये साइन से रो, इसको बोला जाता है रो, आर एच रो से शो करते हैं, एम फॉर मास, वी फॉर वेलोसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सो द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। नाउ अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, ठीक है। इंक्रीजिंग डेंसिटी को इंक्रीज करते हुए आपको ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले एयर है ना, तो एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन और आयरन। अरेंज कीजिए यार, जल्दी से बताइए, सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, सॉरी द अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। तो देखो एयर, आयरन सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़ा, ठीक है, छोटे से स्मॉल से बिग जाना है आपको। तो सबसे कम डेंसिटी इनमें एयर का होगा, सबसे कम डेंसिटी। उसके बाद जो चिमनी से एग्जॉस्ट गैस निकलता है उसमें भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं थोड़े बड़े बड़े, तभी तो वो धूल हमारे ऊपर बैठता है, तो उसकी डेंसिटी एयर से थोड़ी ज़्यादा होगी। उसके बाद क्या, कॉटन, उसके बाद कॉटन थोड़ा बहुत गैप रहता है, कॉटन के बाद अपन ले लेते हैं वाटर, वाटर के बाद थोड़ी गाढ़ी होती है हनी, और हनी से ज़्यादा सॉलिड होता है आयरन। तो इस तरीके से डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। चलिए तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है, ये बंदे ने क्या किस तरीके से, आप देखोगे इसको प्ले करता हूँ मैं फिर से, है ना, ये देखो लोहा डाला तो ये लोहा एकदम नीचे चला गया। तीन तरीके का अलग अलग डेंसिटी का लिक्विड है। फिर ये अंगूर डाला तो देखो ये सेकंड पे जाके रुक गया। उसके बाद एक प्लास्टिक डालेगा तो ये देखो ये यहीं पे रुक जाएगा। तो यानी क्या है, अलग अलग वजन डाला, उस वजन को कौन सी लिक्विड झेल पा रही है, डेट इज़ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पेज नंबर सिक्स का, टेबल्यू डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर को कैरेक्टराइज करो, यानी सॉलिड लिक्विड गैस, यही सिलेबस में है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन नहीं है। सो देखो यार, और दूसरा क्वेश्चन है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, फ्लूडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शिप, काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी, क्या है, इन सबको आपको बताना है। तो देखो यार, सबसे पहले अपन सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, वी ऑलरेडी डिस्कस इन द चैप्टर। लिक्विड हैव नो डेफिनाइट शेप, लिक्विड अटेन द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर कैप्ट, जिसमें हम डालते हैं वो वैसा ही शेप ले लेता है। गैसेज हैव नाइदर डेफिनाइट शेप नॉर डेफिनाइट वॉल्यूम, है ना।
आगे सॉलिड स्टेट जो होता है इनकॉम्प्रेसिबल होता है, लिक्विड स्लाइटली इनकॉम्प्रेसिबल एंड गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, हाईली हम गैस को कॉम्प्रेस कर ले सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं सॉलिड फ्लो फ्लोएबिलिटी में, तो सॉलिड जो है वो कैन नॉट फ्लो, सॉलिड को हीट करोगे लिक्विड में कन्वर्ट होगा देन फ्लो करेगा, वैसे सॉलिड डजंट फ्लो, लिक्विड कैन फ्लो, गैस तो बहुत ज़्यादा फ्लो, तो दिन भर फ्लो ही होता रहता है। फिर पार्टिकल्स डोंट मूव फ्रीली, सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम इस तरीके से पैक्ड रहते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल फ्री मूव करते हैं विथ कॉन्फाइंड बाउंड्री, एक बाउंड्री के अंदर। और गैस पार्टिकल की बात करें तो वो तो भाई जहाँ छोड़ दो तो उस पूरे कमरे में ही भर जाएंगे, ठीक है। नाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के से रिलेटेड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज मैक्सिमम सॉलिड में, तभी तो देखो सॉलिड पार्टिकल्स एकदम क्लोज्ड पैक रहते हैं, क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े से दूर दूर रहते हैं, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। और गैस के पार्टिकल तो पूछो ही मत, पूरा इधर उधर ही भागते रहते हैं, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज वेरी लो या लीस्ट, ठीक है। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का बी पार्ट है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। रिजिडिटी क्या होता है, रिजिडिटी क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ शेप, है ना। रिजिडिटी, फॉर एग्जांपल ये देखो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, अब आप इस स्प्रिंग को इधर से भी फोर्स लगा रहे हो, इधर से भी फोर्स लगा रहे हो, मान लो आप 2 न्यूटन फोर्स लगाए तो ये स्प्रिंग थोड़ा भी नहीं हिला, बहुत पावरफुल स्प्रिंग था। आपने थोड़ा फोर्स को बढ़ा के आपने क्या कर दिया, 10 न्यूटन लगाया, तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ा सा फैल गया, थोड़ा सा फैल गया। तो ये क्या, आप 2 न्यूटन में क्यों नहीं फला, क्योंकि 2 न्यूटन से ज़्यादा अंदर की तरफ फोर्स है, इसकी जो इंटरनल रिजिडिटी है वो मान लेते हैं 8 न्यूटन है, तो 8 न्यूटन तक आप फोर्स लगा लो कुछ भी नहीं होगा, 8 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाओगे लाइक 10 न्यूटन लगाया तो स्प्रिंग थोड़ी सी फैलेगी। तो दैट 8 न्यूटन ये क्या है, इस स्प्रिंग की इंटरनल रेजिस्टिविटी है, सॉरी रिजिडिटी है। सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट द चेंज इन शेप, शेप चेंज होने से पहले की लगने वाली फोर्स को अपन रिजिडिटी कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाई अप्लाइंग फोर्स। जब भी हम किसी, मान लीजिए ये कोई है, इस पर हमने फोर्स लगाया, इस पर हमने फोर्स लगाया तो इसका शेप क्या हो गया, इस तरीके से छोटा हो गया, तो दैट इज़ द कॉम्प्रेसिबिलिटी। फ्लूडिटी क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी टू मैटर टू फ्लो, ऐसे मैटर्स की एबिलिटी जो फ्लो हो सके, दैट इज़ फ्लूडिटी। फीलिंग अ गैस कंटेनर, इस पर क्या कमेंट कर सकते हो, नाउ ऑन फीलिंग अ गैस टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। हमारा, हमें पता है गैस का क्या क्या काम है भाई, हल्का सा गैस भी अगर हम डालें इस कंटेनर में तो क्या करेगा, थोड़ी देर बाद पूरी के पूरी स्पेस को कवर कर लेता है गैस, है ना। शेप क्या होता है, हैविंग डेफिनाइट बॉर्डर्स, शेप क्या होता है, हर शेप का एक बाउंड्री होता है, लाइक स्क्वायर की बाउंड्री है ये, ट्रायंगल की बाउंड्री ये है, सर्कल का बाउंड्री ये है, तो हर शेप की एक बाउंड्री होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इट इज़ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। मोशन की वजह से जो एनर्जी डेवलप होता है, ध्यान देना, मोशन की वजह से जो एनर्जी डेवलप होता है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और पोजीशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी डेवलप होता है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। नाउ डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऑलरेडी अपने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, है ना। चलिए पेज नंबर 6 के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, गिव रीज़न, रीज़न देना है आपको, ठीक है। अ गैस फील्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट केप्स, जब भी हम किसी बर्तन में या किसी भी शेप में जब भी हम गैस को डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक सिलेंड्रिकल इस तरीके का शेप है ना, इस तरीके का, इसमें जब हम गैस को एंटर करते हैं तो ये गैस क्या करता है, पूरे के पूरे कंटेनर में भर जाता है ना, ऐसा क्यों होता है, है ना। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकल ऑफ गैस मूव इन ऑल द डायरेक्शन, जितने पार्टिकल है वो इस डायरेक्ट हर डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। दस अ गैस फील्स द वेसल कम्प्लीटली इन विच इट केप्स, ठीक है। नाउ अगला है, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, इस पर क्या कमेंट करोगे आप, ठीक है। तो देखो यार, जब भी हम किसी कंटेनर, हमने क्या बोला, जब भी हम गैस को डालते हैं तो गैस के पार्टिकल के बीच का फोर्स बड़ा कम होता है और ये हर डायरेक्शन में मूव करता है, है ना। तो जब ये मूव करता है तो जाहिर सी बात है ये कभी ना कभी जाकर टकराता होगा इस शेप की बाउंड्री से, तो इसके टकराने से क्या होता है, इस पर प्रेशर जनरेट होता है। तो आप कभी कभी देखते होगे, आपकी कभी कभी ऐसा देखते होगे कोई बर्तन होता है काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर गैस भर जाता है तो वो बर्तन इस तरीके से फूल जाता है, और अगर आप गैस नहीं निकालोगे तो ये फट जाएगा। अपना पेट की बात कर लो ना, एसिडिटी जब होता है तो क्या, गैस बना तो पेट फूल गया एकदम, तो यानी पार्टिकल जो है प्रेशर एक्ट कर रहा है बाउंड्री पर, तभी तो पेट फूल जा रहा है,
लाइक दैट, है ना। ये रीजन लिख सकते हो, पार्टिकल ऑफ गैस मूव रेंडमली इन ऑल द डायरेक्शन एट हाई स्पीड, एज अ रिजल्ट द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड ऑल्सो हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर विथ अ फोर्स, देयरफॉर गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, नाउ अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, इस पे क्या कमेंट करोगे? यस, अ वुडन टेबल हैज फिक्स्ड शेप, उसका कोई फिक्स्ड शेप और उसकी एक फिक्स वॉल्यूम होती है, विच आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, दस द वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। ठीक है, इसी का एक और पॉइंट है यार, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर। सही बात है, अपन बड़ी एयर में, देखो अभी मैं हाथ हिला रहा हूँ, है ना, बड़ी आसानी से हिला रहा हूँ, बट यही अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दूँ उसमें क्या, मैं हाथ, ये दीवार ले लो, कितना भी फोर्स लगा लो दीवार नहीं हिलेगा, हम मैं जरूर हिल जाऊँ, ऐसा क्यों होता है? तो देखो यार, पार्टिकल ऑफ एयर हैव लार्ज स्पेस, एयर की पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है जिसमें अपन आराम से हैंड को मूव कर लेते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहता ही नहीं है, तो उसमें कहाँ तुम मूव करोगे। ठीक है, और सो बट डू नॉट सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, वी नीड टू कराटे एक्सपर्ट। सही बात है, अगर मुझे सॉलिड को अंदर हाथ डालना है तो उसको तोड़ना होगा, जिसके लिए यार जैसे ये फिगर आप देख सकते हो, ये सॉलिड के अंदर अगर मुझे तोड़ना है तो मुझे कराटे चाहिए होगा भैया, कुछ भी पावरफुल फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि उसके अंदर हम घुसा पाएं। बाकी गैस की बात करें तो यहाँ तो आप फ्रीली मूव कर पाओगे, कोई भी इशू नहीं है, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं, लिक्विड जनरली, पेज नंबर 6 का ही है, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, है ना। वी नो दैट कि सॉलिड जो होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, है ना। तो यार आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि जो बर्फ का टुकड़ा होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। ये देखो यहाँ, ये फिगर को देखो ध्यान से, है ना, ये देखो बर्फ का टुकड़ा पानी में, बर्फ तो सॉलिड है, दैट वाटर इन लिक्विड, तो यार तो ये बर्फ डूब क्यों नहीं रहा है, ये फ्लोट क्यों कर रहा है? रीज़न ये है कि जो आइस है ना इनके, देखो जो वाटर है उनके बीच में देखो क्या, एकदम थोड़ी वाटर है, गैप एकदम लगभग पैक्ड रहते हैं, वहीं आइस के फॉर्मेशन की बात करोगे तो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप्स होते हैं, है ना, वैक्यूम्स होते हैं, जिसकी वजह से ये इसमें हवा भरा रहता है और ये तैरता रहता है। ठीक है, आइस विच इज सॉलिड हैज वैकेंट स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, दस मेकिंग आइस लाइटर देन द वाटर, दस आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 9 पे आ जाइए, पेज नंबर 9 पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब सॉरी, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, है ना, ये कुछ टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन और 573 केल्विन, इनको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो देखो यार बच्चे, जब भी हम केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं या सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, 273 का ऐड और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो देखो, जब भी हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 ऐड करते हैं, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस पे 273 का एडिशन करूँगा तो 70, 80, 90, 293 केल्विन कहलाएगा। वहीं मान लो 300 केल्विन दिया हुआ है, इसे मुझे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इस 300 को 273 से माइनस करना पड़ेगा, तब वो सेल्सियस में कन्वर्ट होगा। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भैया, एकदम दिमाग में बैठा लो। सो देखो, 300 केल्विन को कन्वर्ट करेंगे तो 300 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 300 में से 273 हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, वैसे ही जब 573 केल्विन को हम सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 573 में से 273 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा दैट इज 300 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। नाउ देखो अब इसको, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, कुछ टेम्परेचर दिया है, उस टेम्परेचर में पूछा है वाटर की फिजिकल स्टेट क्या रहेगी, सॉलिड लिक्विड गैस या क्या रहेगी। तो देखो, 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा वाटर, तो 250 डिग्री सेल्सियस वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है बच्चा लोग, वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तो आप 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हो, तो क्या हो रहा होगा, तो गैसेस स्टेट में होगा। ऑफकोर्स वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा हीट करने पर गैस स्टेट में आ जाता है। सो एज बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। नाउ 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का क्या स्टेट होगा, 100 सिंस वाटर हमें पता है वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होती है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ऐसा नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है लिक्विड से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है,
100 डिग्री सेल्सियस पे आते आते लिक्विड सारा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। सो अपन लिखेंगे आंसर, सिंस वाटर बॉइल्स एट दिस टेम्परेचर दस इट कैन एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड गैसेस स्टेट, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो लिक्विड वाटर जो लिक्विड है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, लिक्विड प्लस गैस दोनों स्टेट में रहता है। किसने पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। इससे ज़्यादा टेम्परेचर लाइक इस स्टेट में चले जाओगे तो वाटर जो है वो पूरी की पूरी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, याद रखना इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो देखो यार, जब भी हम हीट करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ को हीट करते हैं तो दो तरीके की हीटिंग होती है। एक होती है सेंसिबल हीटिंग और दूसरी होती है लेटेंट हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग में टेम्परेचर का चेंज दिखता है, टेम्परेचर का कम या ज़्यादा होना, यानी हम फील कर सकते हैं कि टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो रहा है, ऐसी हीटिंग को सेंसिबल हीटिंग कहते हैं। फिर एक टाइम आता है कि टेम्परेचर हो जाता है कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर हो जाता है कॉन्स्टेंट, बट फिर भी हीट हम दे रहे हैं तो वो हीट जा कहाँ रहा है? वो हीट जाता है तुम्हारा फेस चेंज करने में, फेस चेंज करने में जाता है, यानी स्टेट बदल, लिक्विड को गैस में कर देगा, गैस को लिक्विड में, सॉलिड को लिक्विड में, है ना। तो ऐसे को लेटेंट हीटिंग कहते हैं। तो जैसे देखो, तो ये फिगर देखो, इस फिगर में है ना, ये माइनस 40 डिग्री पे सॉलिड होगा, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, यहाँ तक टेम्परेचर हमने बढ़ाया, 0 डिग्री सेल्सियस के बाद ये क्या हो गया, लेटेंट हीटिंग होने लगी, लेटेंट हीटिंग, है ना। तो यहाँ पे फेस चेंज हो गया, यहाँ पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे आते आते लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, है ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फिर मैंने क्या किया, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया 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 बढ़ाया, यहाँ तक बढ़ाया लिक्विड का टेम्परेचर। तो लिक्विड का टेम्परेचर जैसे हुआ, मान लीजिए वाटर है तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे पहुँचा, नाउ अब वो टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, बट हीट तो जा रहा है, तो वो हीट क्या करेगा, टेम्परेचर यहाँ पे 100 पे ही फिक्स हो जाएगा, बट हीट तो हम दे रहे हैं तो वो क्या लेटेंट हीटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एट दैट टाइम पे गैस और लिक्विड स्टेट में होगा, स्टेट चेंज होने लगा और यहाँ आते आते पूरा का पूरा लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस द हीट सप्लाइड और रिलीज इज यूटिलाइज बाई द फेस चेंज में चला जाता है, सच अ हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। सो द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेज नंबर 9 का ही है, सजेस्ट अ मैथड टू लिक्विफाई एटमोस्फेरिक गैसेस। एटमोस्फेरिक गैसेस को किस तरीके से हम लिक्विफाई कर सकते, अपने पास दो तरीका है किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर को बदलने का, एक तो टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से, दूसरा प्रेशर कम ज़्यादा करने से। तो यार देखो, अगर ये फिगर में देख के समझ में आ ही गया होगा, अगर कोई चीज़ गैस स्टेट में है तो अगर उस पर अपन प्रेशर लगाएं तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, और साथ और प्रेशर लगाएंगे तो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो एक तो हम प्रेशर की हेल्प से हम गैस को लिक्विफिकेशन कर सकते हैं, दूसरा हम टेम्परेचर की वजह से भी कर सकते हैं, है ना। कैसे, द गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है, गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय ब्रिंगिंग इट्स पार्टिकुलर, इसके पार्टिकल्स को अगर हम क्लोज ले आएँ तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्टिकल को क्लोज लाने का क्या तरीका है, टेम्परेचर को कम करो। टेम्परेचर को कम करने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, पार्टिकल का वाइब मोशन कम होता है और पार्टिकल क्लोज आते हैं। तो पार्टिकल क्लोज आएंगे तो उसका स्टेट गैस चेंज इनटू लिक्विड, पहला चीज़। दूसरा प्रेशर, जैसे ये फिगर में आपको दिख रहा होगा, प्रेशर लगाने से किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही है। देखो ये गैसेस हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैंने प्रेशर लगाया, जैसे प्रेशर लगाया तो सारे इस तरीके से एक साथ चिपक गए, क्लोज लगा, मतलब ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, है ना, दैट इज़ द एग्जांपल। चलिए अगला चलते हैं पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। हॉट ड्राई डे में जो हमारा डेजर्ट कूलर है वो क्यों अच्छा ठंडक महसूस कराता है हम लोगों को, रीज़न भाई बताओ। नाउ अ डेजर्ट कूलर इंक्रीज द ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर। ह्यूमिडिटी इंक्रीज करना, यानी देखो ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, ये एयर है। एयर में हमने क्या किया, पानी का स्प्रे कर दिया, तो एयर के बीच में क्या आ गया, पानी के पार्टिकल्स आ गए। अब मान लो पानी के पार्टिकल्स आने से क्या हो गया, एयर की कैपेबिलिटी कम हो गई और पानी भर गया, तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो मान ली 60% वाटर आ गया और 40% एयर आ गया, इसका मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई,
है ना, पानी के मॉलिक्यूल्स बढ़ गए एयर में तो ह्यूमिडिटी बढ़ गई। तो कूलर क्या करता है, कूलर यही तो करता है, जैसे ये एक कूलर है ना, ये मैं एक कूलर बना रहा हूँ लाइक दिस, ये कूलर, यहाँ पे जालियाँ लगी रहती हैं, यहाँ पे फ़ैन लगा रहता है, यहाँ से पानी टपकता रहता है। तो जब ये फ़ैन चलता है इस तरीके से, जब फ़ैन हमारा चलता है तो ये हवा जो है अंदर की ओर आता है, इस जाली से छन कर जाता है, इस पर पानी जब होता है तो हवा ठंडा होता है और इसी ठंडी हवा हमारा यहाँ पर हमें भेजता है हमारे रूम में, ठंडा हवा हमारे रूम में भेज रहा है, यानी हवा में वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करके भेज रहा है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करके भेज रहा है, तो हमारा रूम क्या होता है, हमें ठंडक महसूस होता है। तो हॉट ड्राई डे में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है तब कूलर बड़ा अच्छे तरीके से काम करता है, क्यों, क्योंकि इधर गर्म हवा, ड्राई एयर में जिसमें एक भी वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, जब वो कूलर के इस जाली से जाता है तो उसमें एयर ऐड हो जाता है और फिर जब इधर निकलता है तो एयर और लिक्विड का मिक्सर, दैट इज़ हमें कोल्ड इफेक्ट शो कराता है। ठीक है, यही चीज़ें आप ये पढ़ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि हाउ डज वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। यार आप किसी स्टील का पॉट ले लो, स्टील का पॉट ले लो और उसमें गर्म पानी रख के आप गर्मी में कहीं भी रख दो, तो वो देखोगे कुछ देर बाद पानी और गर्म हो जाएगा, पानी और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, है ना। यही बट अगर आप मटका रखोगे, इस तरीके का मिट्टी का बना हुआ मटके में पानी रखोगे तो कुछ देर बाद, है ना, कुछ देर बाद है ना, आप देखोगे पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया होगा। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इवापोरेशन की वजह से होता है ना। क्या होता है, अब अपना मटका हमें क्या आसपास का गर्म आसपास का जो, देखो ना इसमें लिखा हुआ है, देयर आर सम पोर्स इन एन अर्थन पोर्ट के बीच में क्या होता है, मिट्टी का बना तो इसके अंदर छोटे छोटे होल रहते हैं, बहुत छोटे छोटे, जिससे पानी टपकता भी नहीं है, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, तो अर्थन पॉट थ्रू विच द लिक्विड इनसाइड द पॉट इवापोरेट। तो जब भी इवापोरेशन होता है तो एक ठंडक इफेक्ट हमें जनरेट होता है, अपन इवापोरेशन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़े थे, है ना। जब भी कहीं से भी हमारी बॉडी से पसीना इवापोरेट हो तो हमें ठंडक महसूस होता है, मटके से पानी इवापोरेट हो तो मटका ठंडा होता है जिसकी वजह से पानी भी वहाँ का ठंडा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन एंड पेट्रोल और परफ्यूम। जब भी अपना परफ्यूम को आप कहीं बॉडी में मारते हो तो अचानक से ठंडक लगता है, ऐसा क्यों यार, क्या परफ्यूम को आपने क्या फ्रिज में रखा था क्या, या एसीटोन या पेट्रोल को भी गिराते हो तो ठंडक लगता है, ऐसा क्या, क्यों, क्योंकि देखो यार एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। एसीटोन का देख लो यार बहुत कम, 32, पेट्रोल का तो और ले लो 28 डिग्री सेल्सियस पे ही, तो अपने रूम टेम्परेचर पे ही वो क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। तो ये इवापोरेशन की वजह से होता है। हमारा ये मान लो ये हाथ है ना, इस पे आपने एक ड्रॉप गिराने से क्या होगा, अब ये क्या होगा, ये आसपास इवापोरेट होगा, हमारी बॉडी से टेम्परेचर लेगा, हमारी बॉडी से ये जो बबल है, जो ड्रॉप है, टेम्परेचर लेगा और वो क्या होगा, इवापोरेट होने लगेगा। इवापोरेट होने की वजह से हमारी बॉडी से जहाँ जहाँ से टेम्परेचर लिया है वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होता है। ठीक है भैया, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। नाउ एसीटोन, पेट्रोल एंड परफ्यूम इवापोरेट एट लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पे इवापोरेट हो जाता है। व्हेन सम एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम इज ड्रॉप ऑन द पाम, इट टेक्स हीट फ्रॉम द पाम एंड इवापोरेट्स, देयर बाई मेकिंग द पाम कूलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आई होप ये शायद आखिरी क्वेश्चन है ना। व्हाई आर वी एबल टू सिप अ हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन कप, ऐसा क्यों भाई, है ना। यानी आपने देखा होगा ना, पुराने ज़माने में अपन सामने वाले को टी कैसे, एक सॉसर लेते थे, प्लेट, और उस प्लेट में अपन क्या करते थे, इसमें चाय, कप में चाय लग के देते थे। वो लोग क्या करते थे, ये जो कप है, जो प्लेट है, इस प्लेट में क्या करते थे, चाय को इस प्लेट में गिरा लेते थे, उसके बाद फिर वो लोग पीते थे। ऐसा क्यों यार, क्योंकि देखो यार, अगर हम पॉट चाय की ग्लास की बात करें तो उसका सरफेस एरिया क्या है, कम है, एज़ कम्पेयर टू प्लेट में अगर आप डालोगे तो प्लेट में सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो हमने देखा था इवापोरेशन, जब भी इवापोरेशन इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन, किस क्या क्या इफेक्ट है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से इवापोरेशन कम होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाने से इवापोरेशन और बढ़ जाता है, तो यही इसका एग्जांपल है। सो अ लिक्विड हैज़ लार्जर सरफेस एरिया इन द सॉसर देन इन द कप, कप से ज़्यादा सरफेस एरिया अगर आप डालोगे प्लेट में तो उसमें ज़्यादा सरफेस एरिया होता है। दस इट इवापोरेट फास्टर एंड कूल्स फास्टर इन सॉसर देन इन कप,
Thus, we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup. ठीक है. So guys, एक और क्वेश्चन है पेज नंबर 10 पे. एक और क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर. समर में हम किस तरीके के क्लोथ्स को हमें पहनते हैं. तो समर गर्मी का टाइम पे हम लोग कॉटन का कपड़ा ज़्यादातर पहनते हैं. क्यों पहनते हैं यार, रीज़न देखो. नाउ कॉटन का कपड़ा क्यों पहनते हैं, वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर्स एज कॉटन इज गुड स्वेट एब्जॉर्बर. हमारा कॉटन जो होता है, जो कॉटन होता है बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है हमारे स्वेट्स को, है ना. इट ईजली एब्जॉर्ब स्वेट, यानी हमारे पसीने को बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है. नाउ स्वेट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द कॉटन एंड इज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेरिक मेकिंग इवापोरेशन फास्टर, जिसकी वजह से इवापोरेशन हमारी बॉडी में और तेजी से हो, हमारी पसीना बड़ी तेजी से उड़ने लगती है, इवापोरेट होने लगती है, जिसकी वजह से ड्यूरिंग दिस इवापोरेशन पार्टिकल्स ऑफ सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम अवर बॉडी सरफेस मेकिंग द बॉडी कूल, है ना. जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी से जो इवापोरेट होने के लिए उसको टेम्परेचर चाहिए ना, हमारे स्वेटिंग पसीने को, तो टेम्परेचर का हमारी बॉडी से ही तो वो टेम्परेचर लेता है, हमारी बॉडी से ही तो वो टेम्परेचर लेता है और फिर वो इवापोरेट हो जाता है. तो हमारी बॉडी से टेम्परेचर लिया तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होगा. ठीक है. और हम जानते हैं कॉटन्स के जो कपड़े होते हैं उसमें पोर्स काफ़ी बड़े बड़े पोर्स होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े पोर्स होते हैं, तो ईजिली यहाँ से इवापोरेट हो जाता है हमारा स्वेट्स. ठीक है. सो द एंड. तो मैटर इन अवर सराउंडिंग के इनसाइडर चैप्टर के इनसाइड में जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया. ठीक है. एक वीडियो और मैं बनाऊंगा जिसमें एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे, देन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर अपन मूव ऑन करेंगे इसके सेकेंड चैप्टर पर. ठीक है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.